हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आलू की करी। ये नारियल के दूध के साथ बनता है करी, बहुत ही अच्छा लगता है। इसे राइस के साथ, अप्पम के साथ खाया जाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ मैंने आलू लिया है, कम से कम 5-6 आलू है मीडियम साइज़ के, और 2 बड़े प्याज हैं, करी पत्ता, राई, नमक और नारियल के दूध, जिससे करी बनाएंगे। तो सबसे पहले प्याज और आलू को उबाल लेंगे। इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे और 3 सीटी आने तक पका लेंगे अच्छे से। ढक्कन लगा के मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। तीसरी सीटी लग चुकी है, इसे ठंडा होने देंगे, सीटी नहीं निकालेंगे। तो तड़का बना लेते हैं। कढ़ाई को मैंने गरम करके इसमें 2 छोटा चम्मच तेल डाल दिया था, 1 छोटा चम्मच राई डाल दिया है इसमें मैंने। राई को अच्छी तरीके से फूट जाने देंगे। तो राई यहाँ फूट चुकी है। करी पत्ता डाल दिया है इसमें, 4 हरी मिर्च बीच से चीर के, और कढ़ाई को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तड़का, गरम तड़का नहीं डालेंगे करी में, वरना करी फट सकती है। तो यहाँ कुकर ठंडा हो गया, खोल के देखते हैं। तो इसे मैं छान देती हूँ। इसके बाद 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, बिना ठंडा करे आप करी ना बनाएं, वरना इसमें दूध डालने से फट सकता है गर्म होने से। तो इसे ठंडा कर लिया है यहाँ पे। अब इसे मैश कर लेंगे। आप 2-4 आलू ऐसे छोड़ सकते हैं, बाकी सारे आलू इसमें जो हैं सब मैश कर दीजिए। इसे मैंने मैश कर लिया है। इसमें थोड़ा सा जो इसका पानी था उसको मैंने थोड़ा बचा लिया था, तो इसमें डाल दूँगी करीब 2 टेबल स्पून। अब यहाँ पे नारियल का दूध को तैयार करेंगे। तो यहाँ सिर्फ दूध ही नहीं डालना है, इसमें पानी भी मिलाना है। ये पूरा 1 पैकेट दूध है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, आधा करीब गिलास। इससे मैंने थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरीके से पानी को मिला लिया है। पानी डालना बहुत ज़रूरी है, वरना करी बहुत गाढ़ी बन सकती है, और पानी डालने से हल्का हो जाता है दूध, बहुत मोटा दूध रहता है नारियल का। तो आप पानी डाल के ही थोड़ा सा पतला करके फिर करी बना के डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। तो इसे मैंने छला के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। तो तड़का यहाँ जो बना के रखा है ये ठंडा हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है सारा करी। गैस को ऑन नहीं करना है, आप इसको ऐसे ही चलाइए और अच्छी तरीके से चला के इसे मिला लीजिए। तो करी बनकर यहाँ तैयार है। तो देखिए एकदम तैयार है करी। इससे आप अप्पम के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए। इससे अप्पम के साथ खाया जाता है, आपको अप्पम इसके साथ बना खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आलू की करी कैसा बना है, और आप इस तरीके से बनाएं, ये बहुत अच्छा करी है खाने में, बहुत अच्छा सुबह नाश्ते में बना सकते हैं इसे आप लोग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। ट्राई करें, बहुत ही ईजी रेसिपी है।